हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कुटनाला और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन के लिए है, यानी कि किस तरह से आप सिर्फ एक क्लिक करने पर ही अपने एंड्रॉयड फ़ोन का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर जो मैं यहाँ पर एक क्लिक अगर जो यहाँ पर कर रहा हूँ, तो क्लिक के साथ ही हमारा जो स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। सिर्फ हमें एक क्लिक करना है और क्लिक के साथ ही हमारा जो वॉलपेपर होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो किस तरह से हम ये सब कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो आपने अभी तक हमारा कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक करके हमारा चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं या फिर योग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारा योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल भी अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम योग, हेल्थ, मोटिवेशनल वीडियोज अपलोड करते रहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो ये सब के लिए हमें अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी, और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपको जो ये आइकन है, ये आइकन यहाँ पर नजर आएगा, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरह से हमें इसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमारे एंड्रॉइड फ़ोन पर इंटरनेट का होना जरूरी है, क्योंकि जो वॉलपेपर हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे वो नेट से ही डाउनलोड होंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे सामने यहाँ पर तीन कैटेगरी यहाँ पर आती है। अगर जो हम फेवरेट पर जाते हैं, फेवरेट जो वॉलपेपर्स होंगे वो हमें यहाँ पर नजर आते हैं। कलेक्शन में यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कई सारे वॉलपेपर्स हमारे सामने यहाँ पर उनकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर नजर आते हैं। तो जो भी वॉलपेपर हमें अच्छा लगता है, जो भी हमें चाहिए, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसी को मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर जितने भी वॉलपेपर्स होंगे वो सबके सब यहाँ पर नजर आएंगे। जो भी वॉलपेपर आपको अच्छा लगता हो, जो भी वॉलपेपर हमें अपने एंड्रॉइड फ़ोन की स्क्रीन पर सेट करना हो, उस वॉलपेपर को हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मुझे एग्जांपल के लिए ये वॉलपेपर यहाँ पर लेना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। और इसके बाद जो ये आइकन डाउनलोड का जो आइकन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जो वॉलपेपर है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। और ये सब करने के बाद हम यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। अगर जो आप यहाँ पर इसको ब्लर देना चाहते हैं तो ब्लर कर सकते हैं, लेकिन ये सब मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। और ये सब करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर थ्री लाइन्स इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं। जैसे हम यहाँ पर डाउनलोडेड इस पर क्लिक करते हैं, तो जितने भी वॉलपेपर हमने डाउनलोड किए होंगे वो सब के सब हमारे सामने यहाँ पर नजर आते हैं। अगर जो हमें किसी वॉलपेपर को अगर जो ब्लर करना है, तो हम यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे। और उस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर थ्री डॉट्स इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर ब्लर इफेक्ट यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको ब्लर दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी वॉलपेपर को ब्लर नहीं देने वाला हूँ, ब्लर नहीं करने वाला हूँ। ये सब करने के बाद हम यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर बाहर आते हैं, और उसके बाद जो ये आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन की स्क्रीन को होल्ड रखना है, और उसके बाद आपको विजेट्स पर जाना है। और विजेट्स पर क्लिक करने के बाद आपका जो ये इस एप्लीकेशन का जो विजेट्स होगा वो आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर सेट कर लेना है। हो सकता है कि ये अपने आप ही, जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, वैसे ही आपके सामने यहाँ पर ये सेट हो जाए। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एंड्रॉइड फ़ोन का जो वॉलपेपर है वो अपने आप यहाँ पर चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपने एंड्रॉइड फ़ोन की स्क्रीन पर एक क्लिक करते ही अपने एंड्रॉइड फ़ोन का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जो आपकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिससे कि हमारा हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और अगर जो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के साथ, और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। थैंक्स।